यहाँ पे ईसाई मिशनरियों द्वारा बाइबल के वचन लिखे गए। बाइबल किस धर्म का ग्रंथ है? बातें बंद करिए और दोबारा यहाँ भिड़ने लगेगी, जान लीजिए बात, ठीक है ना? भिड़ने लगेगी। आप कितने दिन से कर रहे हैं ये सर? हम 8-9 साल से कर रहे हैं। 8-9 साल से यहाँ कर रहे हैं? अच्छा, ये हम 5-7 लोग 10 लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। तो आपको कोई और जगह नहीं मिली, यही जगह मिली थी? सर हमारा घर है ये। अच्छा, ये आपका घर है? हमारा घर है। ठीक, बहुत सही। आप 8-9 साल से कर रहे हैं, उसके बाद इतने लोग यहाँ पे हैं, योगी सरकार में ये ईसाई धर्म का प्रचार। बहुत सही। अब ये जो किताब ये कौन सा भी हुआ? पवित्र बाइबल। बिल्कुल। अरे आप भी हैं जी? ओ ज्वाला प्रसाद। बस 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 बस, बहुत सही। ठीक ठीक ठीक, ये पवित्र बाइबल है, ईसाई धर्म ग्रंथ, मतलब कुल मिलाकर के अपने साथ धर्म लगा रहे हैं। सर मनुष्य के लिए नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है सर, इसमें एक शब्द नहीं, ईसाई नहीं लिखा। ये किसका है ये सर? ईसाई किसका है ये? है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन कौन होता है? ईसाई होते हैं। फिर हमको यदि यहाँ से आराम है तो हम यहाँ पे। नहीं नहीं, आप आराम लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, हम प्रभु को मानेंगे। बिल्कुल मानिए, किसने कहा कि मत मानिए? मैंने पढ़ा 40 बार अर्थ सहित मैंने पढ़ के पूरा कर दिया। अनावश्यक बात नहीं, अनावश्यक बात मत बोलिएगा, काले बात बोलिएगा बात। अगर मैं समझू तो अपना समान करिए, बात ज्यादा नहीं बचा बोलिएगा। और दोबारा ऐसे किसी घर भिड़न होने के लिए अनुमति लोग श्रीमान जी, विदाउट अनुमति द्वारा इकट्ठा हो जाए तो उचित नहीं होगा। चुका देने के लिए यहां से गलिए, अगर विदाउट अनुमति यहां इकट्ठा हो गए 10 बजे से अधिक तो आप लोग 44 लागू है, 5 या 5 से अधिक जैसे हुए तो उसको गायब हो जाएगा। अतः अब द्वारा यहां भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, मर जाए चाहे जहां जाए, डॉक्टर यहां जाए, लेकिन बिना अनुमति के इकट्ठा भीड़ नहीं करोगे। कहां से अनुमति लेंगे? ये बोलिए, ये बोलिए सर, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है सर। क्या रजिस्ट्रेशन है? आप उसको लेकर दिखाइए, लाइफ पेपर ले जाइए। हेलो, हाँ तो आज आया है थाने पे, तो थाने पाओ तो हम तो एक कहाँ जा रहे हो जी? अलग अलग जा रहे हैं, थाने पर आई, थाने पर आई है क्या जी? एक मिनट, ईसा मसीह ने कौन सा धर्म चलाया था? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। किसने बताया? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया, या पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, कहीं भी ईसाई धर्म का शब्द नहीं है इसमें। क्या है उसमें? उसमें ईसाई धर्म का शब्द आपको नहीं मिलेगा। मानव जाति के लिए है कि मानव जाति सही रास्ते पे चले, सही। आप मिर्जापुर जनपद के छानबे क्षेत्र के नरोइया गांव में इतनी भीड़ इकट्ठा करके और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपको ये पता है कि योगी सरकार में कानूनन जुर्म है? यह जानते हुए भी ये काम कर रहे हैं? ईश्वर का प्रचार करना सर कानूनन जुर्म कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है दरोगा जी, भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप के अंदर आपने सुना, पत्रकार महोदय इस बात को बता रहे, जो वीडियो क्लिप बना रहे थे उससे कलिशिया का उस बात को बता रहे थे कि आपको पता नहीं है कि ये योगी राज है और योगी राज में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है, मना है। मेरे मसीह भाई बहनों, भारतीय संविधान आर्टिकल 25 के तहत हमें आजादी मिलता है, लेकिन यहां पर इस बात को पत्रकार महोदय संविधान को ताकत में रख के, तख्ता में रखकर इस बात को बता रहे हैं कि योगी राज में आप ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप परमिशन लेके आप यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन परमिशन लेकर अपना चर्च का ऑथराइज करवाकर। लेकिन पत्रकार महोदय तो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल गए। मेरे मसीह भाई ने यही पत्रकार महोदय लोग जो हैं नफरत की चिंगारी को फूंक देते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं।
लेकिन वहां पर जो भी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि सताओ आज जो है उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक इतनी तेजी से फैल रहा है, लोग फैला रहे हैं मतलब नफरत की लाठी, जबकि हमारा धर्म हमारा वचन परमेश्वर का वचन साफ कहता है प्रेम, प्रेम एक ऐसा चीज है जो नफरत को भी तोड़ देता है। और हमें काम है, हम आपसे सबसे आशा रखते हैं, भले ये लोग ईसा मसीह का प्रचार प्रसार करना ना करने दे, लेकिन हम इन लोगों से प्रेम करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जब इन लोगों से प्रेम करेंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि हम इस पे नफरत की निगाहों से देखते हैं और फिर भी यह मुझे प्रेम करता है। मेरे वसीह भाई बहनों, लेकिन जहां तक रहा सवाल ईसा मसीह का प्रचार का सवाल, तो आज से कई हजार साल पहले, 2000 साल पहले जब राजा का शासन था, जब राजतंत्र था, जब उस समय ईसा मसीह का प्रचार कोई नहीं रोक सकता, तो लोकतंत्र में कौन रोक सकता, वो भी भारतीय संविधान के हमें आजादी देता है प्रचार प्रसार करने का। मेरे वसीह भाई बहनों, इस वीडियो को देखकर काफी दुख हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिए, कंटिन्यू कीजिए कि इस वीडियो से हम लोग मतलब परमेश्वर इसको बचाए, उस कलिशिया को और उन्नति और आगे की ओर बढ़ाते जाए। जी हाँ, मैं उसे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुद आप सबको आशीष दे, आमेन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, फिर से सुंदर शाम के पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों से जोड़ी है। पिता परमेश्वर ये मौका दिया है पिता परमेश्वर इकट्ठा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, दुआ करते हैं कि आप किसान की आराधना में पिता तेरी आराधना पिता हमारे पास मांग करते हैं पिता परमेश्वर, फिर बहुत सी आशा पिता उनके मुख्य चौकसी करिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर वचन दे तो वचन पिता परमेश्वर आ रहा पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं सब लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज बीमार है पिता परमेश्वर, पिता उनके साथ ही चर्चा करिए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर आ सके, धन्यवाद करेंगे और उसकी